नमस्ते बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्यपुस्तक इतिहास के तीसरे पाठ अंग्रेजी सत्ता का परिणाम के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। देखो बच्चों, जिस तरह से हमने पिछले वीडियो में देखा कि किस तरह से भौगोलिक खोजों के कारण यूरोपीय सत्ताएं भारत में आ गई, तो उसमें से यूरोपीय सत्ताओं के अंतर्गत था पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज, जो सभी लोग भारत की बाजार में अपने व्यापार करने की दृष्टि से आए हुए थे। इन सभी में स्पर्धा चल रहा था, जिसमें से अंग्रेज भारतीय बाजार में अपने व्यापार को करने के बहाने से आए थे। लेकिन जिस समय अंग्रेज आए थे, उसके पहले भारत में पुर्तगालियों का राज्य था, पुर्तगाली भारत पर व्यापार कर रहे थे, तो इसी कारण से पुर्तगाली अंग्रेजों का विरोध करने लगे। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच मित्रता होने लगी और उनके बीच में जो विरोध था वो थोड़ा कम होते गया। लेकिन फिर भी अंग्रेजों को भारत में अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए, व्यापार करने के लिए अनेक वहाँ की जो अस्थायी सत्ताधीश थे उनके विरोध का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले हम देखेंगे अंग्रेज और मराठों के बीच संघर्ष। तो देखो बच्चों, अंग्रेज और मराठों के बीच में 3 युद्ध हुए थे। तो सबसे हम पहला युद्ध देखेंगे। तो देखो किस तरह से अंग्रेज मराठा के राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है। तो इसका यह कारण है कि जो मुंबई था वह हमारे पश्चिमी भारत का एक अंग्रेजों का बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था मुंबई, और अंग्रेज मुंबई के आसपास के सभी प्रदेशों को अपने अधिकार में करने के प्रयास में थे। लेकिन इन मुंबई के आसपास जितने भी प्रदेश थे उन सब पर मराठों का पकड़ एकदम मजबूत था, जिसकी वजह से अंग्रेज इसको विभिन्न मुंबई के आसपास के प्रदेशों को वो अधिकार में नहीं कर पाए। लेकिन इसी समय माधवराव पेशवा के मृत्यु के पश्चात उनके चाचा रघुनाथ राव ने पद की लालच में आकर के अंग्रेजों से जाके सहायता मांगते हैं, और इस तरह से अंग्रेज मराठा राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश हुआ। अब जब मराठा जो राज्य था उसमें अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ने लगा, जिसके कारण कुछ मराठा सरदारों को यह पसंद नहीं हुआ और इन्होंने युद्ध किया। इस तरह से मराठा और अंग्रेजों के बीच 3 युद्ध हुए। तो सबसे पहला युद्ध अंग्रेजों और वहाँ के जो सरदार थे उनके मराठा सरदारों के बीच में युद्ध हुआ था। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आप ब्लैक बोर्ड पे देखिए, देखो सत्ता स्पर्धा में सबसे पहले कौन आया था भारतीय बाजार पर अधिकार जमाने के लिए? डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी तथा अंग्रेजों के बीच तीव्र स्पर्धा थी। इन सब में जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उसके पहले भारत पर पुर्तगाली व्यापार करते थे, इसलिए पुर्तगाली अंग्रेजों के बीच विरोध था। लेकिन कालांतर में चलकर ये दोनों आपस में मिल गए और इनके बीच की जो दूरियां थी वो थोड़ा कम हो गया। फिर उसके बाद हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच में किस तरह से युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय होते हैं, जो कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। तीसरे में फ्रांसीसी अंग्रेज जो थे फ्रांसीसियों को पराजित कर दिए थे, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा। तो इस तरह से अब अंग्रेज का अब कोई जो सामने बस केवल मराठा सत्ताधीशों का ही सामना उन्हें करना पड़ा। तो सबसे पहले अंग्रेज और मराठा युद्ध में प्रथम युद्ध किसके बीच होता है? देखो सन 1774 ईस्वी से 1818 ईस्वी के बीच अंग्रेजों और मराठों के बीच में 3 युद्ध होता है बच्चों। तो सबसे पहला युद्ध क्यों होता है? क्योंकि जो मराठा सरदार थे उनको अंग्रेजों का अपने राज्य में हस्तक्षेप करना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मराठा सरदार एकजुट होकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करते हैं और इसमें इस पहले युद्ध में मराठों की विजय होती है, वो जीत जाते हैं। लेकिन सालबाई की संधि होने के कारण यह जो प्रथम युद्ध था उसको यहीं पे समाप्त कर दिया जाता है। तो इसको और अच्छे समझने के लिए यहाँ पे देखिए बच्चों, 1774 ईस्वी से 1818 ईस्वी के बीच अंग्रेजों और मराठों दोनों के बीच 3 युद्ध हुए। तो पहला युद्ध किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज और सरदार, जो अंग्रेज थे और मराठा सरदार एकजुट होकर
अंग्रेजों के विरुद्ध में युद्ध किए जिसमें इनकी विजय होती है। लेकिन सालबाई की संधि के अनुसार इस युद्ध को यहीं पे समाप्त कर दिया गया। अब देखो बच्चों, इसी समय लॉर्ड वेलेस्ली यहाँ पे भारत में गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त हुए थे और इनका यही नीति था। ये इस उद्देश्य से ही भारत में आए थे क्योंकि पूरे हिंदुस्तान को पर उनका अपना एक वर्चस्व स्थापित हो जाए, पूरा अधिकार पूरे हिंदुस्तान पर इनका अधिकार हो, इसके उद्देश्य से ये यहाँ पे भारत में आए हुए थे। तो इन्होंने सबसे पहले सहायक सेना संधि ये किया, वहाँ के मराठा जो सत्ताधीशों थे उनके साथ सहायक संधि की। इस संधि के अनुसार बच्चों जो अंग्रेज थे उन्होंने जो मराठा अधिकारी थे, मराठा सत्ताधीश थे, उनको अपनी सेना देना स्वीकार किया, उनको सहायता के लिए अपने अंग्रेजों ने अपनी सेना दिया। लेकिन इसके लिए उनकी बहुत सारी शर्त थी कि जब हम आपको सेना देंगे तो उसकी जो रख रखाव में, सेना के रख रखाव में उनको जो पेमेंट है, जो सैलरी है, वो कौन देगा? जो रखेगा, यानी कि मराठा सत्ताधीश देंगे, वहाँ के राजा देंगे उनको सेना। सेना तो अंग्रेजों की है, लेकिन अब अंग्रेजों की सेना किसको रखना पड़ रहा है? मराठा सत्ताधीशों को रखना पड़ रहा है। तो उनकी एक संधि की एक शर्त थी कि आप रखिए, पर जो उसका पेमेंट है उसको नगद रूप में आपको कंपनी को देना पड़ेगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ेगा। और साथ ही साथ आप अगर किसी राजा के साथ, अगर कोई राजा है, अगर दूसरे राज्य के राजा के साथ कोई संबंध रखना है तो उसके बीच की जो कड़ी होगा वह अंग्रेजी सेना उसमें रहेगी, दूसरा था। और अगर आप नगद उसको पैसा नहीं दे पा रहे हो तो उस नगद पैसे के बराबर कोई प्रदेश उनको देना है। और साथ ही साथ ये भी था कि अगर अपने राज्य में कोई भी राज्य के दरबार में, जो राजमहल है, अगर उसमें कोई दरबार बैठाया जा रहा है तो उसमें अंग्रेजी प्रतिनिधि तो होना जरूरी है। इस तरह से मराठों का धीरे धीरे स्वतंत्रता, मराठा अपनी स्वतंत्रता धीरे धीरे खो देती है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा हस्तक्षेप अंग्रेजों का मराठा राज्यों पर होने लगा। तो इस तरह से ये बहुत सारे मराठे सरदारों का ये पसंद नहीं आया। सबसे पहले बाजीराव, यहाँ पे देखिए बच्चों कि सबसे पहले सहायक जो सेना थी वो किसने स्वीकार किया था? बाजीराव द्वितीय ने इसको स्वीकार किया था, जो अंग्रेजों ने जो सहायक सेना संधि की थी। तो उन्होंने संधि के दौरान संधि किया, लेकिन वहाँ के जो कुछ सत्ताधीश थे, जो उनकी सेना थी, उनको स्वीकार नहीं था। इसलिए मराठा ने अंग्रेजों के विरुद्ध दूसरी युद्ध की घोषणा कर देती है। इस दूसरे युद्ध में मराठों की पराजय हो जाती है। पहले युद्ध में कौन जीता था? मराठा जीता था, लेकिन दूसरे युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं। अंग्रेज जीतने के कारण अंग्रेजों का हस्तक्षेप भारत के सत्ताधीशों के उसमें जो अधिकार था उसमें और अधिक होने लगा। तो इस ये भी लोगों को पसंद नहीं आया, जिसके कारण से तृतीय युद्ध हुआ। बाजीराव पेशवा को धक्का लगा कि मैं तो इनके साथ सहायक सेना संधि स्वीकार किया था, लेकिन इन्होंने तो युद्ध कर दिया, तो ये उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए बाजीराव पेशवा ने तृतीय युद्ध, मराठा अंग्रेज तृतीय युद्ध घोषित कर दिया, जिसमें बाजीराव पेशवा की हार जाते हैं, वो पराजित हो जाते हैं और पूरे भारत पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित हो जाता है। और उसी समय मुगलों की जो राजधानी थी बच्चों वो सिंधों के अधिकार में थी और अंग्रेज सिंध की सेना पे आक्रमण कर सतारा को भी अपने अधिकार में कर लिया। इस तरह से पूरे भारत, पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित हो गया। अब देखिए इस वर्चस्व के बाद किस तरह से अंग्रेजी सेना अपने शासन करती है और उस शासन का हमारे भारत पर क्या परिणाम होता है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आप इनके बारे में देखिए, छत्रपति प्रताप सिंह। तो देखो इसे और अच्छे से समझने के लिए सहायक सेना को यहाँ पे आप देखिए ध्यान से बच्चों, सहायक सेना क्या था। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अंग्रेजों का भारत में वर्चस्व स्थापित करने के उद्देश्य से लॉर्ड वेलेस्ली ने सन 1798 में सहायक सेना की पद्धति शुरू की।
किस उद्देश्य से इंडियनवाइज शुरू किया था? क्योंकि भारत में संपूर्ण भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए इन्होंने यह संधि सहायक सेना की पद्धति शुरू की थी, और यहाँ के मराठा के बहुत सारे सत्ताधीश ने इस सहायक सेना को भी की संधि को स्वीकार किया था, लेकिन कुछ लोगों को स्वीकार नहीं था, जिसके कारण से मराठा अंग्रेजों के बीच 3 युद्ध हुए जिसमें अंग्रेज विजय होते हैं। तो देखिए यहाँ पे सहायक सेना का समझौता करने वाले भारतीय सत्ताधीश के संरक्षण के लिए अंग्रेजी सेना दी जाती थी। इस समझौते के अनुसार भारतीय सत्ताधीश को उनकी सुरक्षा के लिए कौन सी सेना दी जाती थी? अंग्रेजी सेना दी जाती थी, लेकिन देने से पहले कुछ अंग्रेजों की शर्त थी। शर्त ये था कि बच्चों की जो भी सेना आपको, जो भी सेना सुरक्षा के लिए दिया जाएगा उसके लिए नगद राशि आपको ही देना पड़ेगा। अगर आप नगद राशि देने में असमर्थ हो तो उस नगद राशि के बराबर कोई भी प्रदेश उनको देना है। तो इस तरह से मराठों की ज़्यादा से ज़्यादा आय कहाँ जाती थी? कंपनी के पास जाती थी। तो बहुत लोगों को यह मंजूर नहीं था, जिसकी वजह से ही मराठा और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ। तो देखो भारत के अनेक सत्ताधीशों ने सहायक सेना का समझौता स्वीकार करके अपनी स्वतंत्रता खो देती है। जब सहायक सेना हमारे राज्य में सुरक्षा के लिए अंग्रेजी सेना आ जाएंगे तो हमारी स्वतंत्रता तो वहीं पे समाप्त हो जाती है। तो इसी तरह से मराठों का स्वतंत्रता धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो इसके बाद प्रथम युद्ध के बाद द्वितीय युद्ध होता है, क्योंकि बहुत सारे जो सत्ताधीश थे वह सहायक सेना संधि स्वीकार किए थे, जिसमें से किसी लोगों को उसमें जो सेना थे उनको मंजूर नहीं था, इसलिए यहाँ पे द्वितीय युद्ध होता है। 1802 ईस्वी में बाजीराव पेशवा द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ सेना संबंधी एक संधि की। संधि के अनुसार उन्हें अपने राज्य में अंग्रेजी सेना तैनात करना था। इस संधि के अनुसार क्या था कि अंग्रेजी सेना अपने राज्य में अंग्रेजी सेना रखना है, तैनात करना है, लेकिन ये बात वहाँ के कुछ सत्ताधीशों को पसंद नहीं आया, इसलिए इन्होंने द्वितीय युद्ध किया। द्वितीय युद्ध में अंग्रेज विजय हो जाते हैं और ये बाजीराव पेशवा हार जाते हैं, और इस विजय के बाद अंग्रेजों का हस्तक्षेप मराठा राज्य में और अधिक बढ़ने लगा। तो इस तरह से तृतीय युद्ध होता है। देखो जब ये इनको बाजीराव पेशवा को पसंद नहीं हुआ कि मैं इनके साथ सहायक सेना संधि स्वीकार किया था लेकिन इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, तो ये तृतीय युद्ध अंग्रेजों का मराठी राज्य में हस्तक्षेप बढ़ने लगा। ये द्वितीय युद्ध के बाद अंग्रेजों का मराठी राज्य में हस्तक्षेप और बढ़ने लगा। यह हस्तक्षेप असह्य होने के कारण, मतलब उन्हें स्वीकार नहीं था के कारण, बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, और जिसमें 1818 ईस्वी में मराठों की पराजय होने से मराठा सत्ता का अंत हो गया। अब यहीं पे पेशवाई का अंत हो जाता है। लेकिन अब देखिए अगला जो राजा है पेशवाई में, छत्रपति प्रताप सिंह। देखो बच्चों, छत्रपति प्रताप सिंह जो थे पेशवाई के अस्त होने के बाद भी वो सतारा की गद्दी पर बैठे थे। लेकिन देखो बच्चों, दूसरा है छत्रपति प्रताप सिंह के साथ संधि करके अंग्रेजों ने प्रशासन में उनकी सहायता हेतु ग्रांड डफ नामक अधिकारी की नियुक्ति की। देखिए पेशवाई का अंत तो ये तृतीय युद्ध में हो चुका था, फिर भी सतारा की गद्दी पर छत्रपति प्रताप सिंह को बिठा दिया गया था, और लेकिन बस केवल नाम मात्र के लिए उनको बिठाया गया था, और प्रशासन का राज्य कौन देखेगा? ग्रांट डफ नामक अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई थी। लेकिन यह बात वहाँ के जो प्रशासक थे उनको पसंद नहीं आया। प्रशासक थे रंगो बापूजी गुप्ते। तो देखिए छत्रपति प्रताप सिंह के प्रमुख प्रशासक रंगो बापूजी गुप्ते ने इंग्लैंड जाकर अंग्रेजों के इस अन्याय के विरुद्ध गुहार लगाई, परंतु वे सफल नहीं हुए। देखो बस केवल नाम मात्र के लिए छत्रपति प्रताप सिंह को गद्दी, सतारा की गद्दी पर बिठाया गया था। अब प्रशासन का कार्य ग्रांड डफ नामक अधिकारी कर रहा था। आगे धीरे धीरे चलकर ग्रांड डफ पूरे राज्य को अपने अधिकार में कर लिया और छत्रपति प्रताप सिंह को काशी भेज दिया, जहां पर कुछ समय के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अब सतारा की गद्दी पर बैठने वाला कोई नहीं था, और उसी के बाद जब इस अन्याय के विरुद्ध रंगो बापूजी गुप्ते इंग्लैंड गए अपने अन्याय के विरुद्ध, उन्हें न्याय मांगने के लिए, लेकिन वहां से वह
सफलता उनको नहीं मिली, वह विफल होकर लौट आए। उसके बाद यहाँ पे सतारा में लॉर्ड डलहौजी जनरल गवर्नर के रूप में आते हैं सन 1848 ईस्वी में। और इन्होंने उत्तराधिकारी अधिकार को अस्वीकार कर दिया, यानी कि दत्तक पुत्र के अधिकार को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। और इस तरह से सतारा की राजगद्दी पर बैठने वाला कोई शासक नहीं बचा। वो जो पद था वहाँ का वो रिक्त था और सतारा पर भी अंग्रेजों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो देखो बच्चों, किस तरह से अंग्रेज हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान पर, पूरे भारत पर अपने वर्चस्व स्थापित कर लेते। तो अगले वीडियो में बच्चों हम इसके बाद की सत्ता स्थापित होने के बाद उसका क्या परिणाम हमारे भारत पर पड़ा वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। देखो बच्चों, आज की कक्षा के अनुसार आपको यह गृह कार्य दिया जाता है कि अंग्रेजों और मराठों के बीच क्यों युद्ध हुआ और वह युद्ध कितने हुए, मतलब प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध को आपको याद करना है। और इतिहास की नोटबुक में आपको जितना भी व्हाइट बोर्ड पे लिखा गया है कि अंग्रेज मराठा युद्ध, प्रथम युद्ध, सहायक सेना, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध और छत्रपति प्रताप सिंह के बारे में आपको लिख करके शुक्रवार और शनिवार को आपको ग्रुप में भेजना है। बच्चों, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।